हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम छप्पे छंद की परिभाषा और इनका उदाहरण पूरा विधिवत देखने वाले हैं, क्योंकि यह अक्सर पूछा जाता है, चाहे आपका त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह 10वीं और 12वीं के लिए तो है ही वेरी मोस्ट, लेकिन 9वीं और 11वीं के लिए भी है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इनमें से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक, मैं जितने क्वेश्चन डेली अपलोड कर रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छंद के, मैंने पिछला वीडियो कवित्त छंद का मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हों जा करके देख लीजिएगा। सोरठा, दोहा, इन सभी के मैं डाल चुका हूँ। चौपाई के भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, चौपाई छंद का, तो पूरा विधिवत देख सकते हैं। इस वीडियो पर छप्पे छंद की बहुत ही प्यारा सा परिभाषा मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपको एक बार में रट जाएगा। ठीक, और इसका उदाहरण भी बहुत ही सरल होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए। जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी में शेयर कर दिया करो यार, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक, और प्यारे बच्चों, अभी तक जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा। हिंदी का प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, एक एक करके, और चलिए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पास ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका छप्पे छंद की परिभाषा, तो छप्पे छंद की परिभाषा यहाँ पास आप देख सकते हैं। परिभाषा और उदाहरण 3 नंबर का आता है ना, दोनों को अच्छे से तैयार करना है। तो छप्पे छंद में क्या है, इस विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं, यानी छप्पे छंद एक विषम मात्रिक छंद है। क्या है, छप्पे छंद एक विषम मात्रिक छंद है, और इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। तो आपको याद रखना है कि छप्पे छंद विषम मात्रिक छंद होते हैं और इसमें 6 चरण होते हैं, यानी इस विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। विषम मात्रिक छंद यानी जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है वह मात्रिक छंद कहलाती है ना। फिर इसके प्रत्येक 4 चरण रोला और 2 चरण उल्लाला के होते हैं, यानी जो प्रथम 4 चरण होते हैं, टोटल कितने चरण हुए, 6 चरण हुए, कितने चरण हुए, 6 चरण हुए। तो 6 चरण में 4 चरण किसके हो गए, रोला के, किसके हो गए, रोला के, और 2 चरण जो शेष बचे वो उल्लाला के। यानी 4 चरण में रोला का नियम फॉलो करता है, और 2 चरण में क्या, नीचे 2 चरण में यानी पचमा और छठवां चरण में कौन सा, उल्लाला के ये नियम को फॉलो करता है। तो क्या है, इसमें रोला में क्या होता है कि रोला के प्रत्येक चरण में 11 और 13 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं, यानी पहले में 11 और 13 पर यति देकर कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 24 मात्राएं होती है। लेकिन उल्लाला के हर चरण में 15 और 13 पर यति देकर 28 मात्राएं होती हैं। क्या होता है, उल्लाला की परिभाषा आपने देखा होगा कि यह मात्रिक छंद होती है, और इसमें कितने चरण होते हैं, उल्लाला में 15 और 13 पर यति दे करके टोटल 28 मात्राएं होती है, जबकि रोला में 11 और 13 पर यति देकर 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो दोनों में यही डिफरेंस है, और ऊपर 4 में क्या होगा, रोला छंद का नियम फॉलो करेगा, और नीचे 2 चरण जो होंगे उसमें उल्लाला चरण, उल्लाला का होगा। ठीक, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, और इसका मैं परिभाषा भी उदाहरण भी दिखा रहा हूँ, तो उससे भी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है कि यह एक विषम मात्रिक छंद है, इसके 6 चरण होते हैं, इसके प्रथम 4 चरण में 4 चरण रोला के, और 2 चरण क्या होता है, उल्लाला के। रोला के प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति देकर कितने होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, और उल्लाला के हर चरण में 15 और 13 की यति पर 28 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, यह एक उदाहरण है, यहाँ पास बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक, तो इसको हम पूरा विधिवत यहाँ पास बताएंगे, छप्पे छंद की उदाहरण पूरा विधिवत यहाँ पास, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या है कि ये जो 6 चरण होंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 चरण हुए। इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा चरण है, ये किसके हो गए, रोला के, किसके हो गए, रोला के, और ये जो 2 शेष चरण हैं ये किसके हो गए, उल्लाला के। तो रोला में क्या होता है कि 11 और 13 पर यति देकर कितने होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, और उल्लाला में 13 और 15 पर यति देकर 28 मात्राएं होती हैं, है ना, यही ना था, क्या था,
पंद्रह और तेरह पर्यति दे करके, सॉरी पंद्रह पहले पंद्रह होगा फिर इसके बाद तेरह पर्यति दे करके टोटल 28 मात्राएं होती हैं, है ना। तो यहाँ पास आप गिनती कर सकते हैं, देखिए नीलांबर यानी नी बड़ी नी है तो दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, कितने हो गए 11, ठीक इसमें 11 हुए। और फिर इधर कितना हो जाएगा 13 होना चाहिए ना, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, कितने हो गए 13, यानी 11 और 13 पर यति दे करके टोटल कितने होंगे 24 मात्राएं, कितने होंगी 24 मात्राएं, ठीक। इस प्रकार इन सभी में 24 24 मात्राएं होंगी चार्टों में। और इधर 15 और 13 पर यति देकर कितने होने चाहिए 28 होना चाहिए, यानी इधर 15 और इधर कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, है ना। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, कितने हैं 15 हैं, और इधर कितना होना चाहिए 13। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, 13 मात्राएं। तो 15 और 13 पर रहती देकर इसमें कितनी हो गई 28 मात्राएं हो गई, इसमें भी 28, यानी दोनों ये किसके हैं उल्ला लग के हैं। और इधर चार चरण कितने हो गए, चार चरण किसके होंगे रूला के, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, ये किसका उदाहरण है छप्पे छंद का। तो क्या है, नीलांबर परिधान रहित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्ववेश की। तो यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है ना। एक उदाहरण यहाँ पास भी और देख सकते हैं, ये वाला, दोनों में से कोई जो भी आपको याद होता है आप देख सकते हैं। पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये चार कितने होंगे रोला के होंगे, और ये दो किसके होंगे उल्लाला के होंगे। आप गिन के देख लीजिएगा, यदि जिससे मात्राएं गिनते नहीं आती हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें मैं पूरा गिनना आपको बता दूंगा, है ना। तो इसमें देख सकते हैं, निर्मल तेरी नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मद सुगंध पावन हर लेता श्रम है, शश ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत कम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, सुचि सुधा सींचता रात में सुख पर चंद्र प्रकाश, हे मातृभूमि दिन में परणी करता तम का नाश, ठीक। तो इस प्रकार ये दोनों उदाहरण बहुत ही मनोहर है और दोनों ही सरल हैं, दोनों को आप याद कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं जो भी आपको याद होता है। और प्यारे बच्चों, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो पिछला वीडियो रोला छंद के उल्लाला छंद के परिभाषा वीडियो नहीं देखे हैं, और चौपाई दोहा सोरठा है ना कवित्त, इन सभी छंदों का मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो छात्र अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर के उनको भी देखिए, और कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट करके बताइएगा, ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।